हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं सब भाई? एकदम टिप टॉप। हम तो एकदम टिप टॉप और डेली आ जाते हैं बैठ के यहाँ पे अपना चाय को कप लेके। आ गए सब अपना चाय को कप लेके। आज खूब सारी बातें हुई हैं। कैसे आज हमारे संगे आई हैं नौशीन अली सरदार, और जो खूब मिलकर एकदम गपियाएंगी हमारे संगे और बहुत सारी बातें भी बतियाएंगी। सही कही नौशीन की नहीं कही? बिल्कुल मीनू मौसी पहले तो सास बहू बेटिया में सबसे पहले हम यही काम होता है, हम स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं। सास बहू और बेटिया में नौशीन को बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच मीनू मौसी। आपकी चाय कैसी है? अदरक वाली है आज? एकदम अदरक इलायची मार, मतलब चीनी वीनी सब डाल के मलाई मार के चाय बनाते, और खूब मतलब 5 बजे आके बैठ जाते अपने दर्शकन के सामने बातचीत करने के लिए। आप हमारे संगे डिजिटल चाय पी ले बेटा, पक्का ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का। हो। 1 सेकेंड। हाँ हाँ बहुत ही गर्म है, छोड़ो मुंह जल गो। अच्छा चलो, अब हम नौशीन अली से बात करेंगे। हाँ नौशीन, पहले तो ये बताओ, गुड न्यूज कब दे रहे? कब बैंड बाजा बराती आके तुम्हारे द्वार पे नचबे वाले हैं? कैसे हमारी बड़ी तमन्ना है कि हम देखें। हो मेरी शादी में आप जरूर आना, जब भी होगी। शादी में जरूर आएंगे, लेकिन ये बताओ कर कब रही? बड़े हम इंतजार कर रहे हैं कब से कि कबो तो करे हो। जैसे ही दूल्हा मिल जाए ना, तब कर अच्छा लूंगी। अच्छा तो शादी की तैयारी मतलब मन में एकदम तय कर लिया है, मतलब अब मन से मेंटली प्रिपेयर बोला था, वो ही गई हो शादी के हाँ, लिए। इस साल मेरी फैमिली ने मतलब तलवार निकाल दी है, कहा है कि इस साल या तो तुम्हारी मर्जी से या तो हमारी मर्जी से, लेकिन इस साल करनी ही करनी है। और इसलिए मुझे पता है 2021 में ही होनी है। वैसे अगर मजे की बात तो ये है कि मेरा नाम जब आप सर्च करोगे तो उसमें दिखाया है कि मेरी शादी हो चुकी है और किसी और के साथ भी हो चुकी है, और मेरे एक साइड पे तो मेरा मेरा बेटा है और एक साइड पे मेरी बेटी है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, लोगों को कितना फालतू टाइम है लिखने का, और जो हमारी इंडस्ट्री से नहीं है वो ये सब मान भी लेते हैं। तो फिर मैंने कंप्लेन की, मैंने बोला भाई ये निकाल दो, मेरी शादी तो अब तक नहीं हुई, कुंवारी हो। अच्छा तो उन्होंने बोला आप प्रूफ दीजिए। मैंने बोला ना, शादी करने का क्या प्रूफ होता है? तो सही बात है। अब मैं क्या बोलूं? अरे ना, शादी करने को प्रूफ ये है कि हमें शादी करनी है, लड़का ढूंढना है, जल्द से जल्द लड़का ढूंढने दो। सही अरे बात है। मीनू मौसी, हाँ आपकी नजर में तो अच्छा लड़का है। अरे हमारी नजर में तो बहुत सारे लड़का हैं, लेकिन हमें ये बताओ तुम्हारे लिए जो लड़का वही वो चाहिए, मतलब का चाहती, मतलब का खूबियां वो भी चाहिए हमें, खूबियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। एक तो मेरी हाइट, बता दो। मैं लंबी हूँ, मेरी हाइट है हाँ 5'8". आओ। तो 5'8" के नीचे मतलब आप समझ जाते हो, पॉसिबल नहीं हाँ है। सही। और खूबियां तो यही है, इंसान अच्छा होना चाहिए, दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। एक मेरे हिसाब से जो जिनकी शादियां लंबे अरसे तक चलती है या अंत तक चलती है, वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं और मेरे जो भी हस्बैंड होने वाले हैं, हमारी जो कंपैटिबिलिटी हो ना, वो मतलब बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हो। उसके आगे और कुछ मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, तो जैसे कि तुमने कही कि तुम्हारे घर वाले ने तलवार उठाई कि तुम्हारी गर्दन पे रख दी, या तो तुम अपनी पसंद से करो या तो हमारी पसंद से, तो ये बताओ तुम अपनी पसंद ढूंढ रही हो, तुम्हें मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं? अभी कोविड का टाइम है, लॉकडाउन है, कहाँ घूमूंगी, कहाँ ढूंढ लूंगी। तो परिवार वाले ही ढूंढ रहे हैं, मुझे दिखाते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ, मैं ना ना करती रहती हूँ। अब तक वो दिल धड़कने वाला चेहरा नहीं आया सामने। अच्छा, वैसे हमने कहीं पढ़ी आती कि मतलब जो नौशीन है वे मतलब हाँ फॉरेन में सेटल हुई वो चाहती है, तो मतलब जो लड़का चाहती है वो अब्रॉड से वो होने चाहिए, मतलब इंडिया को नहीं हुई वो चाहिए, तो ये बात कितनी सही ऐसा है? एक्चुअली थोड़ी थोड़ी सही है। ऐसा नहीं है कि अगर बंबई में कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मैं ना करूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि शायद मैं आगे चलकर अब्रॉड में ही सेटल हो जाऊं। क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक में हम 1-2 घंटा ऐसे ही निकाल लेते हैं। और मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इतनी लंबी पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। मतलब छोटी छोटी चीजों में ना एक लाइफस्टाइल सुकून वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैंने अपनी फैमिली को यही कहा है कि चाहती हूँ कि अब्रॉड ज्यादा हो, अगर लेकिन सबसे प्रायोरिटी तो यही है कि लड़का अच्छा हो, वो चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो या इंडिया में हो, लेकिन लड़का और उसका हाँ खानदान अच्छा होना चाहिए। ये बात एकदम सही है। लड़का अगर अच्छा है तो जिंदगी अच्छे से कट जाती है, बिना लड़ाई झगड़े के प्यार मोहब्बत से है। अच्छा लेकिन एक हाँ बात बताओ,
देखो हर लड़की चाहती है कि मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, मेरी शादी वैसी होनी चाहिए, और या तो डेस्टिनेशन, आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग, मतलब समुन्दर किनारे लोग ब्याह चाहते हैं। तो तुम बताओ, मतलब तुम्हारी शादी कैसे हुई चाहिए, मतलब तुम्हारा मन कैसा है, डेस्टिनेशन या यहीं कहीं? एक्चुअली पहले तो बहुत बहुत चीजें मेरे दिमाग में थी। जैसे मेरी मम्मी है ईरानी और मेरे डैडी है पंजाबी, तो मैंने सोचा मुझे एक फेरे भी करने हैं, मतलब इंडियन आउटफिट, सिंदूर मंगलसूत्र के साथ, और दूसरा मुझे गाउन, वाइट गाउन, वेडिंग गाउन पहनना है, वो भी करना है। फिर मुझे हल्दी अच्छा सेरेमनी भी करनी है, और सबसे ज्यादा मुझे ड्रेसेस का ही शौक है, तो जितने ज्यादा चेंजेस रखूं वही मजा आएगा, मतलब यही तो दिन है ना। सही बात है, आजकल तो आधी जिंदगी फिल्मी हो गई है। लोग बाग है ना, अगर दूसरे स्टेट वगैरह में शादी कर रहे थे तो उनके अंदाज से भी शादी कर ले तो अपने वो अंदाज से कर ले, तो तुम वो कर लियो दोनों अंदाज में, वाइट गाउन पहन लियो और लहंगा पहन लियो। हाँ वे सही है। अच्छा एक और बात, ये बीच में तो बड़े उम्र की लेके बात चल रही थी कि भैया नौशीन अली सरदार की उम्र 50, 55, 56 है, ऐसी कुछ है। मतलब हम तो देख के हैरान हो गए, भैया इतनी इतनी लंबी उम्र केने डाल रही, मतलब के को इतना टाइम है उनके बारे में, मतलब जितने दर्शक हमारे गलत फहमी में जी रहे हैं उनकी गलत फहमी दूर कर दे। अब क्या है, जब मैं कुसुम करती थी तो मैं खुद 16-17 साल की थी, और उसके बाद उसी सीरियल में मैं मेरी उम्र ज्यादा थी, तो लोगों ने उसको ऐड किया 10 साल, और फिर उसी टाइम 20 साल और सीरियल चला गया तो वहां पे और ऐड कर लिया, फिर 15 साल और निकल गए, तो लोगों ने उस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 60 का बना दिया आज। तो मैंने बोला 60 में अगर कोई ऐसा दिखता है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी लाइन लगा देगी मेरे यहाँ। सही बात है, मतलब ये तो तारीफ हुई भाई की, मतलब 60 साल की उम्र की कोई इतना मतलब सुंदर और इतना अच्छा चेहरा जिसका दिख सकता है नहीं, और मैं बिना अपनी उम्र। 30s में ही हूँ, मुझे अपना मेरी उम्र नहीं बतानी है, नहीं, लड़कियों को नहीं सही बतानी चाहिए, लेकिन मैं बहुत बहुत छोटी थी, यंग थी जब मैंने करियर शुरू किया, और आज आई एम अ वुमन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, आई हैव नथिंग टू हाइड, बात। एंड लोगों को यही कहना है कि भाई अपना काम कीजिए, आप क्यों कहाँ कुछ ऐड करते रहते हैं मेरी लाइफ में, कभी हस्बैंड ऐड करते हैं, कभी बच्चा ऐड करते हैं, कभी उम्र ऐड करते हैं, यार मुझे मुझे बता दो प्लीज। सही बात है, ये जो एडिशन वालों काम है ना, खाली मैथ में अच्छा लगता है, जिंदगी की उम्र और रिश्तों में अच्छा नहीं लगता है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो अब कुसुम की बात आई है तो मतलब दर्शक तो मतलब देख के आज खुश हो गए हुए हैं कि अय्या हमारे मतलब कुसुम जैसी दिखा था थी वैसी की वैसी आज वो दिख रही है। तो जो कुसुम की अः यादें शेयर कर ले, मतलब नौशीन कितनी यादें तुम्हारी ताजा हैं कुसुम की? 2005 तक तो था शो, तो यादें तो काफी ताजा है, और मतलब आज भी हमारा कुसुम का ग्रुप है व्हाट्सएप पर, सारे 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 कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, और हम जोक्स आपस में शेयर करते हैं कभी कभी, मतलब साल में एक बार मिलने की कोशिश करते हैं, अभी इस बार ड्यू है, होपफुली नेक्स्ट टाइम हम वापस मिलेंगे, कोई कोई अमेरिका चला गया है, कोई कहीं चला गया है, लेकिन ग्रुप में सब है और मस्ती मजाक वैसा ही चलता है, मतलब ऐसा लगता है कि कल कल ही की बात है, और हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। देखो पहले कहा थी, मतलब 2005 की बात कर ले तो इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था, है फैन से और इन सब से कनेक्शन हो ही नहीं पाता था, सोशल मीडिया तो बाद में आओ है, और अब तो डिजिटल मीडिया है, ओके माध्यम से तुम डायरेक्टली बोल देती हो है। तो आज बड़े मतलब दर्शकन को बता दे कि ये जो कुसुम का जो किरदार है तो वो कैसे मिलो, तो मतलब ऑडिशन दो तो कितनी दिक्कतें हुई थी का? वो टाइम मेरा एक हिट गाना था अल्ताफ राजा का, पहले तो हाँ कभी कभी गम था, हाँ तो हाँ वो बहुत ही फेमस था, उसी गाने को देखकर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, और बस ऑडिशन दिया, 2 घंटे में मैं सिलेक्ट हो गई। अच्छा, मतलब कुसुम की ऐसी कौन सी बात हती जो नौशीन को भा गई और नौशीन ने हाँ बोल दी? ऐसा तो नहीं था, मतलब एज एन एक्टर यही है कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, तब तो मुझे समझ भी नहीं, सच्ची बताओ ना, मैं मीनू मौसी, मुझे कोई समझ नहीं थी, मेरे लिए एक था मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, रोल अच्छा है, लेट्स डू इट, तो जब मुझे रोल मिला भी और हम शूटिंग भी कर रहे थे, मुझे याद है जो मीत ब्रदर्स के हैरी है ना, वो मेरे भाई हाँ वाले हाँ थे कुसुम में, तो उन्होंने, ओ हम हाँ गोलगप्पा खा रहे थे रस्ते पर, तो उसने उसने कहा तुम्हें पता है तुम ये जो गोलगप्पा खा रहे हो रस्ते पे, तुम इंजॉय कर लो, ये जैसा तुम्हारा शो एयर पे आएगा ना उसके बाद तुम ये भी नहीं कर पाओगी, तो मुझे लगा ये क्या बोल रहा है, बिकॉज मैं इतनी छोटी, और मतलब होता ना कि समझ नहीं थी इन सब चीजों की, सही क्योंकि बात है, फेम क्या होता है, और मतलब
ऑल ऑफ दैट मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं मतलब मेरे कभी ये था ही नहीं कि मुझे कुछ माधुरी बनना है या ऐसा कुछ नहीं था। तो जब शो हिट हुआ और लोग ऐसे पागल हो गए इस कैरेक्टर के लिए, तो मैं कहीं भी एक्चुअली नहीं जा पाई। मतलब मैं ना एयरपोर्ट पे ठीक से जा पाती थी, ना कोई भी मतलब शॉपिंग मॉल तो भूल ही जाओ। लोग मतलब मुझे अभी भी याद है, ऐसी ऐसी चीजें हुई है जहां एक लड़की एयरपोर्ट पे मुझे देख के चीख के फेंट हो गई। अच्छा हाँ, मैंने बोला ये क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत चीजें हुई है। मतलब एक लड़की तो अपने मतलब बुरी बात है, लेकिन वो अपनी उससे लगा कि कुसुम सीरियल में एक सीन था जहाँ किसी को मैं अपनाती हूँ, मैंने बोला कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो उस सीन को देखकर एक लड़की कहीं बहुत दूर से आई, ट्रेन में बैठी, अपना सोना वोना सब लेकर आई और मेरी बिल्डिंग तक पहुंच गई। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है। उसने बोला नहीं, आप मेरा ख्याल रखो, मैं ये सोना लेकर आई हूँ। तो मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी सब परेशान, कैसे आई, कहाँ से आई, कुछ भी हो सकता है, लड़की है। तो फिर पता चला कि ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही थी। पुलिस वाले ने बताया कि यहाँ जाओ, पुलिस स्टेशन जाकर उसने मतलब मेरा एड्रेस पता किया और फिर वहां पहुंच गई। फिर उसकी फैमिली को कांटेक्ट किया हमने, फिर उसको वापस भेज दिया। मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसा नहीं करते, ये टीवी शो है, रियल नहीं है। तो ऐसी ऐसी अरे बहुत बाप बहुत चीजें हुई है। बताओ, मतलब 16-17 साल की उम्र में ऐसी ऐसी, मतलब इतना बड़ा फेम पा के ऐसी ऐसी चीजें हो गई कि मतलब नौशीन खुद ही बिलीव नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा एक बात बता, देखो आजकल, देखो पहले तो पिक्चरों को ट्रेंड आता है, पिक्चर रीमेक होती थी या सीजन 1 सीजन 2 आते थे। अब आजकल ना सीरियल भी रिटर्न आ रहे हैं, सारे सीरियल रिटर्न आ रहे हैं धीरे धीरे, है चाहे कसौटी ले लो, चाहे प्रतिज्ञा ले लो, है। और मतलब जे अगर बात करें तो कुसुम एक ऐसा सीरियल आता, तो मतलब वो टाइम पे 2-3 साल चलबो, 3-4 साल चलबो, मतलब बहुत बड़ी बात है भैया इतना लंबा सीरियल। तो क्या चाहती हो, मतलब आओ 4.5 साल चला। आओ 4.5 साल, तो मतलब अगर अब कुसुम वापस आए दोबारा तो क्या कहें, मतलब नौशीन दोबारा से कुसुम बनना चाहेंगी? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर पब्लिक डिमांड है, फैंस चाहते हैं, तो शायद हो पाएगा। लेकिन आई थिंक ये एक शो था, बना एक हाई नोट पे खत्म हो गया, एंड आई एम हैप्पी। मैं चाहती हूँ मैं कुछ और करूँ, कुछ नया करूँ। हम बताएं, सच बता रहे हैं, वो मतलब उस जमाने में जब हम देखा था कुसुम, तो जितनी कुसुम नाम की लड़कियां हती वे सच में अपने आप को कुसुम मानन लगी होती। सही कह रहे हैं। सो स्वीट। और जब भी उनसे नाम पूछे तो तुम्हारा नाम क्या है, कुसुम, मतलब वही गाना गा देती थी हमारे सामने। मतलब मैया जब पगला गए हैं सब कुसुम 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 कर करके। अब हमें समझ में आ रही कि दीवानगी क्या होती है। मुझे याद है, मैं एक शो कर रही थी, स्टेज शो था, और सुनिधि चौहान थी। तो सुनिधि चौहान और शान का शो था और मैं वहां एंकरिंग कर रही थी। तो बार बार सुनिधि मेरी ऐसे मतलब वो दोनों मजाक करती थी मुझे देखते ही, मैं कुसुम। मैंने बोला यार क्या है, और वो मुझे देखकर वही गाती थी बार बार। तो मुझे अभी भी याद है कि ओ माय गॉड, मैं भूल नहीं पाऊंगी। देखो सही, ना तुम भूल पाए हो ना दर्शक भूल पाए हैं, जो कुसुम जो हती आज भी वही कुसुम सबके दिलों में जिंदा है, और लोग चाहत हैं कि कुसुम दोबारा लौट कर आए, और उम्मीद कर रहे थे कि भैया जहाँ बाकी सब शोज आ रहे हैं दोबारा रिटर्न कर करके, तो कुसुमऊ आ जाए, तो ये तो हमारी उम्मीद जाग ही रहे हैं। अच्छा अगर प्रार्थना कीजिए मीनू मौसी, ऐसा हो तो हो जाए। और का, लेकिन एक बात बताओ, मतलब छोटे पर्दे पे बड़े साल हुए गए, 1-2-3 3 साल हुए गए, हमें लगा तो मतलब हम मतलब नौशीन को देख ही ना पा रहे हैं, तो इरादा है टेलीविजन में वापस आई भी कुछ, मतलब सीधा सच अभी बताओ ना मीनू मौसी, मेरा मन इतना चंचल है। कभी लगता है हाँ मैं टीवी कर लेती हूँ, कभी लगता है नहीं मुझे टीवी नहीं करना है। तो इट्स मेरा मूड चेंज होता रहता है और कुछ नहीं। और मुझे वैसे कोई मतलब मजे वाला कैरेक्टर, जैसे लास्ट था गंगा सीरियल में, मुझे बहुत मजा आया राहत का कैरेक्टर प्ले करने में। बस उसके बाद वो जो होता है ना वजन होता है कैरेक्टर में, वो चाहिए मुझे। अगर वो मिल जाए तो मैं कल कर लूं। लेकिन एक बात है, मतलब कुसुम जैसा पॉजिटिव सीरियल करने के बाद, का कह जाता है पॉजिटिव रोल करने के बाद, जब नौशीन को लोगों ने नेगेटिव अवतार में देखो, भैया लोगों के होश ही उड़ गए। मतलब ओके ले, तुम्हारे फैन ने तुम्हें कुछ कहो, मतलब बोलो पता चलो। हाँ, मैंने एक शो किया था 2011 में, जिसमें मैं एक खड़ूस सास बनी थी। राजस्थानी शो था,
तो उसमें नेगेटिव रोल था, और नेगेटिव इन द सेंस कि वो अपनी उसूल आदर्श को मानती है, उसका ये मानना है कि लड़की को पढ़ना नहीं चाहिए, बहू को ऐसे रहना चाहिए, बेटे को ऐसा रहना चाहिए। तो 3 महीने तक नेगेटिव रोल था लोगों की नजर में। तो लोग एक्चुअली चैनल को इतना फैंस ने लिखा कि भाई वी कांट सी हर लाइक दिस, तो उन्होंने रातों रात मेरा कैरेक्टर बदल दिया और मुझे पॉजिटिव बना दिया। ये देखो, जो होता है जनता की पावर है, मतलब तुम्हारे नेगेटिव हाँ किरदार को मतलब वो देखा ही ना पाए। चलो वो क्या कहा था, चेहरे में भी दिखता है कि भैया चेहरा भी मासूम है, तो नेगेटिव रोल अच्छा नहीं लगता है मासूम चेहरे में, पॉजिटिव रोल ही अच्छा लगता है। थैंक यू मीनूवासी। अच्छा, अगर आपको बोला जाए मतलब कैसा किरदार चाहिए, मतलब लाइफ में हर एक कलाकार है ना, एक ऐसा किरदार जीना चाहता है, ऐसा किरदार निभाना चाहता है जिसकी हर एक कलाकार को इच्छा होती है, आप कैसा किरदार निभाना चाहती हैं, मतलब आगे आने वाले सीरियल या वेब सीरीज में? मैं है ना मतलब ऐसे जिसमें मैजिक हो ना, मुझे बहुत पसंद है। जैसे जैसे सुपरमैन टाइप का कोई शो हो, या फिर जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स हो या जादू हो, ऐसे शोज मुझे देखना पसंद है। जैसे कोई रात में वैम्पायर बन जाता हो, तो मुझे वैम्पायर, विचक्राफ्ट, ड्रैक्युला या सुपर हीरोज वाले शोज बहुत पसंद है। ऐसा कोई शो, अच्छा या फिर कोई भूत वाला डरावना शो, मतलब भूत दिखना नहीं है, मैं बता रही हूँ कि वो ऐसे क्या बोलते, स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि मजा आ हाँ, जाए देखने में। अच्छा तो अच्छा ठीक है। ये ड्रैकुला, ये आजकल तो शो चल ही रहे हैं खूब, वापस एक और आ रहा हुआ है एकता कपूर को सीरियल रिटर्न, वो ड्रैकुला टाइप को कुछ आ गया हमें लगा। तो उसमें देखो पॉजिटिव किरदार होते हैं, नेगेटिव किरदार होते हैं, तो तुम का पॉजिटिव वाली ड्रैकुला बनना चाहती हो या नेगेटिव वाली ड्रैकुला? एक चीज मैंने समझ ली है हमारी इंडस्ट्री में, या तो आप हीरो हो, या तो आप हीरोइन हो, या तो आप विलेन हो, चौथा हाँ कोई होता ही नहीं है, तो सही बस बात यही है। सही बात है, मतलब हम भगवान से दुआ करें कि 2021 बहुत सारी खुशियां लाए तुम्हारे जीवन में, और शादी के लिए लड़का मिल जाए, और ड्रैकुला टाइप और वैम्पायर टाइप के सोजो मिल जाए, और कुसुम, अगर कुछ नहीं तो कुसुम आ जाए भैया, और कुछ नहीं तो हाँ कुसुम ही आ जाए, तो ओकी दुआ करें। बाकी तो मतलब का एहसास हो, बेटियां से बात करवे के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नौसीन। आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आपसे जल्द ही मिलूंगी रियल में। हाँ रियल में हम वो मिलना चाहेंगे, कैसे हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, तो उम्मीद करें ना, डेली प्रार्थना करें भगवान से कि जल्द से जल्द शादी होए, ताकि सास और बेटियां नौसिन की शादी अटेंड करें आए के। चलो 100%। चलो, थैंक अपना ख्याल यू। रखियो, कैसे कोरोना गौ नहीं यहाँ। चलो आप भी रखें। बाय, ओके बाय। आओ बाय 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 बाय। अच्छा हाँ, बाकी दर्शकों से कह दे रहे हैं, सास और बेटियों को यूट्यूब चैनल है ना, सब्सक्राइब कर ले। आओ चलो बाय बाय।